इंग्लिश शो से घर घर में फेमस हुई सुंबुल तौकीर खान ने टेलीविजन पे नहीं आने का दिया है ये बड़ा बयान, जिसे सुनने के बाद फहमान खान भी हो गए हैं शॉक। सुंबुल के फैंस को लगेगा तगड़ा झटका। तो फिर चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा है सुंबुल ने इस इंटरव्यू में। सुंबुल ने किया है टेलीविजन पे डेली सोप को लेकर बड़ा खुलासा। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। बिग बॉस सीजन 16 की सबकी प्यारी कंटेस्टेंट और बिग बॉस में इकलौती सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट जो कि 100 दिनों तक बिग बॉस में सरवाइव कर चुकी हैं सुंबुल तौकीर खान एक बार फिर लाइमलाइट में हैं। सुंबुल को आपको बता दें इमली शो से बड़ी पहचान मिली थी डेली सोप से, लेकिन आज डेली सोप को लेकर सुंबुल ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसको सुनने के बाद सुंबुल के फैंस भी शॉक जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूँ सुंबुल ने ये बयान नहीं दिया है कि वो टेलीविजन पर कभी भी कमबैक नहीं करेंगी। सुंबुल ने साफ किया कि टेलीविजन ने ही मुझे वो बड़ी पहचान दी है, मैं बहुत ही लंबे सफर को तय करके आई हूँ। जब डांस इंडिया डांस रिटल मास्टर में सुंबुल ने पहली बार परफॉर्म किया था वहां से लेकर वो अब आज के डेट में टेलीविजन की नंबर वन एक्ट्रेस बन चुकी हैं। सुंबुल ने साफ किया कि वो डेली सोप नहीं करना चाहती हैं फिलहाल के लिए, मैं डेली सोप में 2 या 3 साल के लिए बंद कर नहीं रहना चाहती। सुंबुल तौकीर खान का साफ कहना है कि वो फहमान खान के साथ भी प्रोजेक्ट करेंगी, और इसके साथ ही उन्होंने फहमान खान को लेकर भी ये कहा कि फहमान उनके अब भी अच्छे दोस्त हैं और वो अच्छे दोस्त रहेंगे। सुंबुल ने अपने करियर को लेकर कहा कि मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑफर हुए हैं लेकिन टेलीविजन के डेली सोप को मैं फिलहाल नहीं करना चाहती हूं। यहां पर सुंबुल ने ऐड किया आई डोंट इंस्टेंट टू रिटर्न एज दैट डेली सोप 1-2 ईयर ऑफ योर लाइफ, हेंस आई वुडेंट लाइक टू कम बैक ऑन टेलीविजन, आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ मूवी एंड OTT प्रोजेक्ट। वेल आपको बता दें हमने आपको पहले भी बातें क्लियर की थी कि सुंबुल इन दिनों बॉलीवुड मूवीज और OTT प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सुंबुल ने साफ किया है कि मैं डेली सोप फिलहाल नहीं करने वाली हूं। इसके पहले सुंबुल को धर्मपत्नी शो से लेके कुंडली भाग और गुल खान के साथ साथ एकता कपूर ने बड़े बड़े ऑफर्स दिए थे। इवन दो राजन शाही के शो से भी सुंबुल को ऑफर मिल चुका है, लेकिन डेली सोप में सुंबुल ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है और यही वो बड़ी वजह है कि फिलहाल सुंबुल डेली सोप में किसी भी शो में नजर नहीं आने वाली हैं। सुंबुल तौकीर खान का साफ कहना है कि मूवीज़ और OTT पे फोकस कर रही हैं, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुल खान के साथ सुंबुल अमेजोन प्राइम की मिनी वेब सीरीज पे बहुत ही जल्दी वापसी कर सकती हैं। खैर यहाँ पर तो सुंबुल ने साफ कर दिया है कि वो डेली सोप नहीं करेंगी, वो अपने लाइफ में मूव ऑन होना चाहती हैं और ये एक मैसिव चेंज होगा। मैं कहूँगा कि अगर सुंबुल ने एक बड़ा फैसला लिया है तो इस फैसले का स्वागत होना चाहिए, और ऐसे फैसले एक्टर्स बहुत ही कम ले पाते हैं। बीते दिनों फहमान खान ने भी साफ किया था कि जब आप इंडस्ट्री में होते हो तो कई बार आप चूज़ नहीं कर सकते हो, आपको जो प्रोजेक्ट मिले आपको करना होता है। हालांकि सुंबुल के पास यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं चूज़ करने के लिए, जिसके चलते सुंबुल ने बड़े बड़े डेली सोप को इनकार किया है। हालांकि सुंबुल डांस रियलिटी शो और रियलिटी शो में नज़र आएंगी। रियलिटी शो को लेकर सुंबुल ने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि डेली सोप जब आप करते हो तो आप किसी भी और प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सकते हो, कोई भी और काम नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप मूवी करते हो OTT करते हो तो आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। वो आप रियलिटी शो कर सकते हो, आप एक के साथ एक कई सारी OTTs कर सकते हो, कई सारी मूवीज़ कर सकते हो, आप बंद के नहीं रह सकते हो। तो सुंबुल का ये डिसीजन आपको क्या लगता है, क्या वाकई सही है या आप मानते हो जी नहीं? अभी बहुत ही जल्दबाजी है सुंबुल के लिए, उनको इमली शो के टेलीविजन से ही पहचान मिली थी तो सुंबुल को डेली सोप तो करना ही चाहिए। लिखिएगा ज़रूर, मैं जानना चाहूँगा इस पॉइंट पर आपका ओपिनियन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब।